शांति, आज 28 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे जितना समय मिले एकांत में जाकर साथ की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर है, बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है वही स्वीट है, उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तुम समझना है, हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं, चलते रहो, तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं? मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी रॉन्ग है। प्रलय होती ही नहीं, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। वह सभी हैं हद के, तुम्हारी है बेहद की याद।
बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना, हद के बाप से सब हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, सुख होता ही है धन से, धन तो वहाँ अपार है, सब कुछ सतो प्रधान है वहाँ, तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार है, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट है ना, बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे, स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं, बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं, कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है, कहते हैं ना यह स्वीट चाइल्ड यानी मीठा बच्चा है, सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती, इतना ऊंच पद जो पाते हैं जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है, तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुख धाम होगी, मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी, कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो, अब यह सभी को समझाएं कैसे, ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को, विश्व में शांति हो इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है, इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हेवन डेटी वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ विश्व में शांति थी, आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते, यह है मुख्य बात, सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो, सभी आत्माएं पुकारती हैं तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी, जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नर्क है, नर्क कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा, अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं, पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता ना सके, पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है, नई दुनिया में नया भारत नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा, यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है, पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो, भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, इसको कहा जाता है अज्ञान, ज्ञान सागर एक बाप है, बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं, बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते, ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है,
वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर, बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं, हम आत्माएं पढ़ रही हैं। यह भूलना नहीं चाहिए, हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देही अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है, यह बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना, सबसे बड़ा पाप है विकार का, यह बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात, तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है, तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो, क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वह तुम अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही है। परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण गया, बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं, कलयुग में तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहां सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं।
फिर निकल आएंगे, नहीं तुम वहां जगह कौन भरेंगे? जरूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यह बहुत महीन बातें हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। एमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे? इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। बाबा ने कहा है, जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूंछ गए हैं। कृष्ण तो हो ना सके, कृष्ण उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो, युग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है, बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी, हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आपे ही लज्जा आएगी, बाप भी कहेंगे तुम बेसमझ हो। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे? विकर्म विनाश कैसे होंगे? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूं ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाएं, तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करूं तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म
विनाश कैसे होंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार है पहला हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है फिक्र यानी चिंता नहीं क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता दूसरा बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है अनेकों का कल्याण करना है इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ वरदान है हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है संगम युग है जमा करने का युग अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए अर्थात व्यर्थ ना हो सदा भंडारा भरपूर हो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ऐसे संस्कार हो जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे स्लोगन है कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो ओम शांति